एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वेली मैं आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसी थर्सडे रिलीज है 24 फरवरी को। हमारे साथ है कृष्णा भाई, नितिन भाई एंड हेमंत भाई। तो आप लोग थोड़ा करीब आ जाए हल्का। तो आप लोग बताओ, वेली माया अजीत कुमार कितना एक्साइटेड है मूवी के लिए? एक बात बता रहा हूँ जी, ये है ना वेली द पावर, ये पावर है जी, अजीत का पावर है। आप पहले से ही इनके बहुत से हम लोग पिक्चर देख चुके हैं जी, वेलम पिक्चर जो मैं देखा हूँ, मेरी मॉम के साथ देखा, विवेक ओबरॉय के साथ, और एक बार देखा जो कलकत्ता में, नाम याद नहीं है जी, लेकिन अजीत का पावर धमाल में चाहिए। हाँ आप नितिन भाई? मैं भी यही बोलूंगा जो उसने जो बताया, हमने इसकी मूवी देखा, लेकिन हम भी देख रहे हैं इनकी मूवी बहुत अच्छा आता है ये बॉलीवुड में, या फिर मतलब इधर मुंबई इधर वो पहली बार लग रहा है, पैन इंडिया पहली बार आ रहा है। हाँ मतलब पहली बार आ रहा है तो बहुत अच्छा लगे, कहीं चलेगा भी लग रहा है कि चलेगा। क्या लगता है पुष्पा जैसी धमाल करेगी? ये पुष्पा जैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन आप देख रहे हैं पुष्पा जैसा बाइक है ना, बॉलीवुड दबने वाला है। क्या है? अच्छा बॉलीवुड दबने वाला है। अच्छा दबने वाला दब चुका है वाले। क्या आप लोग एंग्री कर रहे हैं इन लोगों की बातों से? बॉलीवुड में तो जानता भी नहीं यार, कौन है बॉलीवुड बता दो। आलिया एक दिन बाद आलिया आ रही है। शांता भाई का जो रोल है ना, वो एक्चुअली मराठी कोई एक्ट्रेस करती थी ना, शांता भाई जो स्ट्रॉन्ग जो रहे ना, वो ये बस पानी कम चाहे वो चल रही है। अजय देवगन कंगना कंगना और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो रहा है, तो जरूर दबेगा इनके लिए। बड़े पुष्पा जैसा चाहिए। आपसे एक सवाल, पुष्पा ने 100 करोड़ कमाया, क्या लगता आपको ये कमाएगी? कमाएगी जरूर, अजीत कुमार नाम का चलेगा। ये आती इधर सलमान के ऊपर के जैसा, मतलब के बॉलीवुड के सलमान खान है वो। हाँ राइट, सुपरस्टार है भाई, कुछ बोल नहीं सकते। तो देख सकते हैं दोस्तों, रीमेक वाले बॉलीवुड है जी, असली वाले अच्छा। पिक्चर में अगर डम होगा तो चलेगी, ये क्या कोई भी पिक्चर चलेगी जी। पिक्चर में डम होना, कहानी चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, डायरेक्टर को अपने होमवर्क करे भाई, अपना होमवर्क करे। कोई भी पिक्चर डम होगी तो कोई भी मराठी मूवी चल रही ना, अच्छी लग रही, हम लोग आगे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑडियंस काफी एक्साइटेड है वेली माई अजीत कुमार को लेकर। तो बस भाई इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।